हेलो गाइस, मैं आपकी गार्डनर दोस्त कल्पना। नवंबर का मंथ चल रहा है, हल्की हल्की सर्दी शुरू हो गई है। दोस्तों, समर के जितने भी प्लांट हैं उनमें अब थोड़ी सी ग्रोथ उनकी कम होने लगी है। कुछ प्लांट हमारे पूरी तरह से डोरमेंसी में भी चले गए हैं, जिसमें ना ही फ्लावरिंग हो रही है, सारी पत्तियां पीली पड़कर गिर चुकी हैं। तो दोस्तों, जब भी आप नर्सरी से इस समय पर परचेजिंग करें तो ऐसे प्लांटों को ना ख़रीदें जिनमें फूल पत्तियाँ इस समय पर नहीं आ रही हैं, क्योंकि अगर आप पौधा घर लेकर आते हैं और वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं करता है, फूल नहीं देता है, तो आप सोचेंगे कि नर्सरी वाले ने मुझे कैसा प्लांट दे दिया या मैंने किस तरह के प्लांट खरीदे हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से प्लांट नहीं लेने हैं नर्सरी से। दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अडेनियम। अडेनियम एक सैकुलेंट प्लांट है। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो इसकी जो फ्लावरिंग है वो ख़त्म हो जाती है पूरी तरह से, पत्तियां सारी पीली पड़कर गिर जाती हैं। तो उस समय पे सिर्फ बचता है इसका कोडेक्ट। तो दोस्तों, उस समय आपको क्या करना चाहिए, इसको आप फुल सनलाइट में रखें और इसको पानी की जब रिक्वायरमेंट हो तभी आप इसे पानी दें। जैसे ही मार्च शुरू होता है इसकी ग्रोथ फिर से शुरू हो जाती है, न्यू पत्तियाँ आती हैं और अच्छी फ्लावरिंग करने लगता है। आलमंडा। आलमंडा एक बहुत ही खूबसूरत और बड़े फूलों वाला प्लांट है दोस्तों, और आप देख सकते हैं इसकी वेल भी होती है और आप इसको बुशी भी तैयार कर सकते हैं। इसमें कई कलर आते हैं लेकिन दिसंबर तक ही ये फ्लावरिंग करता है, इसके बाद में जनवरी फरवरी ये फूल नहीं देता है। उस समय भी इसकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं, इसका रेस्ट पीरियड होता है। तो आप कोशिश करें कि आपको अगर नर्सरी में इस तरह के प्लांट हरे भरे भी दिखें तो आप उनको मत लीजिए और मार्च अप्रैल में इनकी परचेजिंग करिए। दोस्तों, अपराजिता प्लांट, जिसको घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, पूरी गर्मी पूरी बरसात बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने वाला ये प्लांट है। कटिंग द्वारा बीज द्वारा दोनों से लगाया जाता है दोस्तों, और बहुत जल्दी ये फ्लावरिंग भी करने लगता है। जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं ये नवंबर तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, दिसंबर से इसकी फूल बहुत छोटे हो जाते हैं, पत्तियां सारी पीली पड़कर गिर जाती हैं और आपको ऐसे लगेगा पौधा हमारा मर गया, ख़राब हो गया है, इसको उखाड़ कर फेंक दें। लेकिन बिल्कुल नहीं, आप इसको लगा रहने दीजिए, पानी इसको कम दीजिए और फुल सनलाइट में रखिए। जैसे ही मार्च शुरू होगा इसमें नई नई पत्तियाँ आएंगी और अप्रैल मई पूरी गर्मी और पूरी बरसातें फूल देगा। दोस्तों, हिबिस्कस गुड़ैल का पौधा बहुत ही खूबसूरत प्लांट और काफ़ी लंबे समय तक फ्लावरिंग करने वाला पौधा है। लगता है सभी के घरों में प्लांट जरूर होता होगा दोस्तों। तो दिसंबर में इसकी सारी पत्तियां वो पीली पड़कर झड़ जाती हैं दोस्तों, और आपको ऐसे लगेगा कि पौधा हमारा ख़राब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पत्तियां निकालता रहता है, छोटी छोटी पत्तियां भी निकलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन दिसंबर और जनवरी में इसकी ग्रोथ वो है वो बहुत स्लो रहती है। तो दोस्तों, आप इस समय पर इस पौधे की परचेजिंग ना करें, क्योंकि इसमें अच्छी फ्लावरिंग भी नहीं होगी और पौधा ग्रो भी नहीं करेगा, तो इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको इस समय अवॉइड करें लेना। अगला प्लांट हमारा है बोगनविलिया। बोगनविलिया एक झाड़ी नुमा प्लांट होता है और पूरी गर्मी बरसात और सर्दियों तक भी ये फूल देता है, लेकिन इसकी ग्रोथ भी स्लो हो जाती है। दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक आप इसको मत लें, इसके बाद आप इसको अप्रैल मई में अगर कटिंग द्वारा, जुलाई अगस्त सितंबर में कटिंग द्वारा भी लगा सकते हैं और नर्सरी से इसकी पौधों की परचेजिंग कर सकते हैं। काफ़ी कलरफुल पौधे हैं ये और बहुत सारे कलर में आते हैं। इस समय पे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ 6 से 7 पौधे हैं बोगनविलिया के, लेकिन कुछ में फूल हैं कुछ में नहीं हैं, और दिसंबर तक ये भी फूल सारे नहीं रहेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, इसकी भी सारी डंडी डंडी बचेंगी। तो दोस्तों, इसको भी अवॉइड करें लेना आप। अब हम बात कर लेते हैं हर श्रृंगार प्लांट की। हर श्रृंगार में सितंबर अक्टूबर नवंबर में अच्छी फ्लावरिंग होती है, दिसंबर से ही इसकी जो पत्तियां होती है बिल्कुल डल सी हो जाती है, इसमें बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं रहती है दोस्तों, बीज बनते हैं लेकिन इसमें। तो इस समय पर आप इस प्लांट को बिल्कुल भी ना लगाएँ दोस्तों, और ये भी डोरमेंसी में चला जाता है, ग्रोथ इसकी रुक जाती है, पत्तियाँ सब झड़ जाती हैं इसकी। तो आप इसको जुलाई अगस्त सितंबर में लगाएँ तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता है। बात करते हैं कुछ जैस्मिन वैरायटी के जो पौधे होते हैं, जूही, चंपा, चमेली, मोगरा, ये ढेर सारे जो प्लांट होते हैं जो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इस समय आप देख सकते हैं सबकी पत्तियां पीली पड़ी हुई हैं। तो आप इस प्लांट को बिल्कुल भी इस समय पे मत लगाइए सर्दी में, और मार्च अप्रैल में आप इसको कटिंग द्वारा जुलाई अगस्त में और मार्च अप्रैल में पौध लाकर लगा सकते हैं।
अगला प्लांट हमारा है मॉस रोज। मॉस रोज बहुत ही सुंदर कलर फूलों वाला एक पौधा है और ये बिल्कुल घास की तरह होता है दोस्तों। 9 o'clock जब भी आप इस प्लांट को लगाएं तो कटिंग से लगाएं तो बहुत ही जल्दी ग्रो करता है, लेकिन सर्दियों में ये बिल्कुल डोरमेंसी में चला जाता है, ना ही इसकी ग्रोथ होती है, बिल्कुल सूख जाता है। मार्च आते ही आप इसमें पानी डालिए तो ये फिर से हरा भरा हो जाता है, बिल्कुल घास की तरह होता है। तो इस समय सर्दियों में इसको अवॉइड करें, इसको बिल्कुल भी इसकी परचेजिंग ना करें नर्सरी से दोस्तों। स्नेक प्लांट में सर्दियों में जो उसकी साइनिंग है वो थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है और दोस्तों इसकी ग्रोथ भी नहीं होती है, तो इसको आप इस मौसम में बिल्कुल भी न लगाएं सर्दियों में। और जैसे ही मई जून आता है तो आप इसकी कटिंग, इसकी पौध लगा सकते हैं दोस्तों। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये सारे प्लांट मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हुए हैं और आप इनको देख सकते हैं। इस समय पर स्नेक प्लांट में पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है तो इनको पानी भी कम दें दोस्तों। मनी प्लांट भी एक ऐसा पौधा है, इस समय पे इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, काफ़ी पत्तियां झड़ जाती हैं पीली होकर। और दोस्तों जैसे ही अप्रैल मई जून जुलाई में इनकी अच्छी ग्रोथ होती है तो उस समय आप कभी भी इनको लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप परचेजिंग कर रहे हैं तो इस प्लांट की बिल्कुल भी खरीदारी ना करें नर्सरी से। मीठी नीम एक औषधि प्लांट है और बहुत सारे व्यंजनों में इसका प्रयोग होता है, लेकिन सर्दियों में भी ये डोरमेंसी में चला जाता है। इसकी सारी पत्तियां पीली पड़कर गिर जाती हैं, जैसे ही मार्च शुरू होता है तो ये फिर से इसकी न्यू पत्ती आने लगती है। उस समय पे आप इसकी ट्रिमिंग कर दें, पौधा हेल्दी रहेगा दोस्तों, तो इसकी परचेजिंग ना करें। एक और हर्बल प्लांट है जिसे तुलसी बोलते हैं, ये सभी के घरों में होती है, ये मेडिसिन के तौर में भी प्रयोग किया जाता है और पूजा के लिए भी इसको यूज करते हैं दोस्तों। तो तुलसी भी 2 महीने जो है वो ग्रोथ बिल्कुल बंद हो जाती है दिसंबर और जनवरी दोस्तों, उस समय इसकी सारी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो इस समय पे आप अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसको मत लगाइए, कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद मार्च अप्रैल मई में आप इसको लगा सकते हैं, बरसात में इसके बीज द्वारा इसके ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, तो इसे मत खरीदें अभी। अब हम बात करते हैं ड्रेसिना में कई वैरायटी आती हैं और इस समय इनके जो पौधे हैं वो हल्के फीके से लगते हैं और इनके किनारे से जो पत्तियाँ हैं वो पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं, तो सर्दियों में इनको मत लीजिए दोस्तों, गर्मियों में इनको लगाइए। कुछ मैंने समर के ऐसे प्लांट बताए हैं जिनको अभी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो सारे प्लांट डोरमेंसी में चले गए, रेस्ट पीरियड में हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वीडियो देखने के।